आस्था, अगर आप गोबर को गणेश मानेंगे तो आस्था बोलते हैं क्या उसको? दूध चढ़ाने से आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या ये आस्था है, मूर्खता नहीं है क्या? मूंछों के नाम पर कत्ल होता है, जब भी कोई बच्चा अगर मटका छूता है तो उसको मार दिया जाता है। ये मनुस्मृति की सोच है, ये ब्राह्मणवादी सोच है। एक आदमी अगर मंदिर में घुस जाता है तो भगवान अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक आदमी अगर हाथ लगा देता है तो अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? एक बच्चा अगर मटका छू देता है तो मटके का पानी अपवित्र हो जाता है, जीने की कला है क्या? अगर एक व्यक्ति मूंछ रखाना चाहता है और दूसरे आदमी के पेट में दर्द होता है, जीने की कला है क्या? एक ऊंचा एक नीचा जाति के नाम पर, ये जीने की कला है? ऐसी जीने की कला हमें नहीं चाहिए, हमें संविधान की कला चाहिए। संविधान में मानव मानव एक समान की बात करता है, जो संविधान की प्रीएम्बल आप देखेंगे उसमें जस्टिस की बात करता है, उसमें न्याय की बात करता है। ये चर्च किसी की दुश्मन है, सेंटर हमारा दुश्मन है, उनके लिए आज परमेश्वर ने जवाब भेजा है, कोई हमारा दुश्मन नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप और मैं एक अभी प्रेयर करेंगे, जो हमारे प्रार्थना करते अपने देश के लिए फिर से। खुदावंद का आत्मा इस देश को बरकत दे, ब्लेस करे, आगे बढ़ाए, फाइनेंशियली स्टेबल करे। जहां से आप मुझे देख रहे हैं, अपने अपने देश के लिए आप प्रार्थना करें, अपने अपने देश के लीडर्स के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना करें, खुदावंद उन्हें बरकत दे। अपने पंजाब के लीडर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, सीएम के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवंत मान जी के लिए खुदावंद उन्हें बरकत दे। अपने अपने लीडर, अपने फौजियों के लिए प्रार्थना करेंगे, खुदावंद उन्हें एक्स्ट्रा हर तरह के एक्सीडेंट से, मौत से, हर तरह के शैतान के प्लान से बचा के रखे। उनकी आंखें दूसरों से ज्यादा खुली हों, वो अटैक को देख सके और खत्म कर सके पहले ही। अपने हाथों को उठाएंगे खुदावंद के नाम में, अपने देश की सर्फ एजेंसी के लिए प्रार्थना करेंगे, खुदावंद बरकत दे। चर्च के ही मेंबर हैं और सेंटर में वो अटल बिहारी सरकार के मिनिस्टर रहे हैं अशोक प्रधान जी, वो आए, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इंदर इकबाल सिंह अटवाल जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आए, राजकुमार वेरका, डॉक्टर राजकुमार वेरका जी वो आए। तो ये शैतान के ऊपर एक शर्मिंदगी है कि ये चर्च किसी के खिलाफ नहीं, कोई ये चर्च के खिलाफ नहीं। और ये चर्च के वेल विशर्स हैं, वो सॉन्ग है ना, आज का दिन मैंने इनको बताया कि प्रभु आपके साथ है, चर्च आपके साथ है। ये भाई जो हैं, ये अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे हैं और चर्च के मेंबर हैं, बहुत से काम करते हैं। तो मैंने कहा आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि चर्च और हम एक ही हैं, डोंट वरी, खुदावंद हमारे साथ है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं परमेश्वर की शिक्षा को। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की बात होती है तो हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर, हमारे जो भी गाइडलाइंस है, वो अगर हमें कुछ शिक्षा देते हैं और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कोई बुनियादी शिक्षा को लेके चलते हैं, वो बाइबल की शिक्षा को लेके चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे से लेकर अगर आप बड़े पास्टर तक जाएंगे और प्रॉफिट तक जाएंगे तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा जो प्रभु यीशु ने हमें वचन से सिखाया है। आज इनके गीता में, इनके हर एक शास्त्रों में जो चीज़ सिखाई गई है उसका उल्लंघन करके ये नया चैप्टर कौन सा सुनाते हैं, नई चैप्टर कौन सी बात को रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये जानते हैं, यीशु मसीह को ये जानते हैं और उन्होंने चमत्कार देखे हैं। आप कितना भी किसी भी तरीके से भोले वाले लोगों को भड़का सकते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, आप अंग्रेज़ी की भाषा सीखते हो, क्यों सीखते हो? क्योंकि आप उन लोगों को भी अपने पास लाना चाहते हो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं।
आप उन लोगों के पास भी जाते हो जो लोग आज इन शिक्षाओं को नहीं जानते। आप घर घर पंपलेट बंटवाते हो, प्रचार करते हो, आप बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। आप अच्छी शिक्षा दें, परमेश्वर आपको और आशीष देगा और शांति देगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो लोग हैं उन्हें स्वर्ग तक जाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके कर्मों के हिसाब से, उनके ज़िंदगी के हिसाब से, जो अच्छाइयाँ बोएंगे उनके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है, ये आप सबको पता है। अगर हम इतने बुद्धिमानी होते, इतने समझ से परे होते, तो ये दुनिया आज हमारे बस में कर लेते। ये बाबाओं क्यों अपने वर्डों से, अपने प्रचारों से ये सब फेवरिज्म करना चाहते हैं? सिर्फ इनका डर जो इनको जीने नहीं देता, जो इन्हें अंदर ही अंदर खोता है कि आज अगर इनको सच्ची शिक्षा मिल गई, इनकी आँख की पट्टी अगर खुल गई, तो ये सच्चाई को जान लेंगे और वो सच्चाई को जान के हमें छोड़ के चले जाएंगे। आप जानते हो, पहले भी परिणाम बहुत से आए हुए हैं, बहुत से बाबा संत जेल में बैठे हैं, बहुत से लोग आज उन्हें गालियाँ भी देते हैं और उनकी तरफ कोसते भी हैं। मनुष्य किसी पर डिपेंड नहीं है, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दौड़ता है, जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होती है वो वहाँ चले जाता है। उसी प्रकार से अगर उसे सच्ची शिक्षा मिलेगी और सच्चा ईश्वर मिलेगा, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा? हमारे प्रॉफिट, हमारे पास्टर कभी ये नहीं कहते किसी को कि आप धर्म बदलिए, आप अपने जीवन को हमें समर्पित किए। आज होता क्या है कि मेरे द्वारा मैं चंगाई पाता हूँ तो मैं किसी को बताता हूँ और उनको मैं प्रार्थना सभा में ले जाता हूँ, वो चंगाई पाता है तो वो किसी को ले आता है। इस तरह से एक प्रेम बन जाता है और परमेश्वर की बड़ाई होती है। ये हमारा जीवन है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम झूठे हैं, मक्कार हैं या हमारे अंदर कमियां हैं, तो ये हमें कोई और नहीं है, स्वयं हम खुद बताते हैं। हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, ये कितने बड़े पुण्य आत्मा हैं। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल यहीं मिलेगा हमें। अगर हमने एक अच्छी फसल लगाई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। अगर हमने उसकी देख रेख करी है, हमने उसकी कटनी करी है, उसको समय पर पानी दिया है, तो वो हमें एक अच्छा पौधा बनकर, अच्छा झाड़ बनकर फल ही देगा। ये एक व्याख्या है सच्चाई की। परंतु अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही है। वो इसी दुनिया में, इसी जगह पर, यहीं पर, ये हमारा शरीर है। अगर हम इसे गंदा खाएंगे तो हमें कल रोग बनेंगे ही बनेंगे। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारे मन में बुरा रहेगा ही रहेगा। अगर हम किसी के खिलाफ़ बोलेंगे तो हमारा जीवन उसी प्रकार चलता रहेगा। यही हमारे जीवन की व्याख्या है। परमेश्वर ने सिर्फ हमें सच्ची शिक्षा दी है। अगर आप उस सच्ची शिक्षा को ग्रहण करोगे तो आप नहीं, आपके आने वाली पुश्ते भी उसका लाभ लेंगे, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला, वो सत्य से स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है। उसका वचन यही है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो किसी के कहने में आके, किसी की बात में आके अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, सच्चाई को जानें, अच्छे काम करें, अच्छे बीज बोएं और अच्छे जीवन को जिए, तभी परमात्मा आपके साथ रहेगा। स्वर्ग नरक वही जानता है, ईश्वर की शिक्षा पर चले। यीशु मसीह के नाम में।